दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया हुई घोषित। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह सहित 7 दिग्गज खिलाड़ी हुए शामिल। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज कब खेली जाएगी, कितने बजे से खेली जाएगी। साथ ही में इस टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित हो चुकी है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह सहित कौन से 7 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया गया है, पूरी स्क्वाड विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया को सपोर्ट करते हो, चाहती हो कि यह टेस्ट सीरीज टीम इंडिया जीते, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है। वहीं दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट और वनडे सीरीज खेलने वाली है, जो कि दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में खेली जाने वाली है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करेगी, जहां भारतीय टीम और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों भारतीय टीम की कप्तानी विराट कोहली संभालते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपके हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया की कप्तानी विराट कोहली और रोहित शर्मा में से किस खिलाड़ी को देनी चाहिए, कॉमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। वहीं दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट क्रिकेट में हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो 1992 के बाद से अब तक भारत और साउथ अफ्रीका ने 36 टेस्ट मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 15 मुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम ने जीते हैं, तो वहीं पर मात्र 11 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते हैं। इसके अलावा 10 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। लेकिन यह सीरीज मौजूदा सीरीज साउथ अफ्रीका के मैदान पर खेली जाने वाली है। ऐसे में साउथ अफ्रीका के मैदान पर भारतीय टीम के आंकड़े देखे जाए तो पिछले 20 टेस्ट मुकाबलों में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सरजमीन पर मात्र 3 मुकाबले ही जीते हैं। इसके अलावा 10 मुकाबले साउथ अफ्रीका की टीम ने जीते हैं और साउथ अफ्रीका के टीम के बाद यहां पर 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में अगर टेस्ट क्रिकेट में भारतीय आंकड़े देखे जाए तो टीम इंडिया के आंकड़े काफी ज्यादा चिंता का विषय बने हुए हैं। अगर भारतीय टीम के साउथ अफ्रीका दौरे की बात की जाए तो टीम इंडिया ने आखिरी बार साल 2018 में साउथ अफ्रीका के मैदान पर टेस्ट सीरीज खेली थी। तब टीम इंडिया को 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उसके बाद वनडे और T20 सीरीज भारतीय टीम ने अपने नाम की थी। वहीं दोस्तों भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया है, जहाँ 17 दिसंबर से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली थी, तो वहीं पर अब इसके बाद समय में बदलाव किया गया है और 4 मैचों की T20 सीरीज भारतीय टीम नहीं खेलेगी, यानी कि अब भारतीय टीम 3 मैचों की वनडे सीरीज और 3 मैचों की टेस्ट सीरीज ही खेलने वाली है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 26 दिसंबर को खेला जाने वाला है, जो कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। यह मुकाबला साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग सिटी द वंडर स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की 15 सदस्यीय टीम कैसी हो सकती है और किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले कप्तान के रूप में आप सभी को विराट कोहली खेलते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि मौजूदा समय में कुछ अच्छे फॉर्म में नहीं है। हाल ही में दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज में विराट कोहली के बल्ले से सबसे ज्यादा रन भी देखने को नहीं मिले थे। लेकिन दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज में विराट कोहली से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं दोस्तों इनके अलावा अन्य 5 बल्लेबाजों को टीम इंडिया के 15 सदस्यीय दल में मौका मिल सकता है, जिसमें से पहले बल्लेबाज के रूप में हिटमैन रोहित शर्मा मौजूद होंगे, जो कि भारतीय टीम की तरफ से क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन दिखा चुके हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ रन बरसाए थे और सीरीज में सबसे अधिक रन भी बनाए थे। इसके अलावा दूसरे बल्लेबाज के रूप में मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया जा सकता है, जो कि ओपनर के रूप में प्रबल दावेदार मौजूद होंगे। हाल ही में दोस्तों मयंक अग्रवाल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जबरदस्त प्रदर्शन किया था, बेहतरीन शतक लगाते हुए 150 रनों की पारी खेली थी। इसके अलावा तीसरे बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर को एक बार फिर से टीम इंडिया में मौका मिल सकता है, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था और अपने डेब्यू मैच में ही शतक लगाकर तहलका मचा दिया था। ऐसे में एक बार फिर से इन्हें टीम में मौका मिलने की पूरी संभावना है। चौथे बल्लेबाज के रूप में चेतेश्वर पुजारा को शामिल किया जा सकता है, जो कि भारतीय टेस्ट टीम के अहम बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में चेतेश्वर पुजारा का कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा था।
पांचवें बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से अजिंक्य रहाणे अच्छे फॉर्म में मौजूद नहीं है, इसी वजह से इन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज में अजिंक्य रहाणे से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। इसके अलावा दो विकेटकीपर बल्लेबाजों के साथ टीम इंडिया मैदान पर उतर सकती है, यानी कि टीम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें से पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल मौजूद होंगे, जो कि मौजूदा समय में बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई अगस्त और सितंबर के महीने में टेस्ट सीरीज में केएल राहुल ने ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए गजब का प्रदर्शन दिखाया था। इसके अलावा दूसरे विकेटकीपर के रूप में ऋषभ पंत मौजूद होंगे। ऋषभ पंत भी मौजूदा समय में काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत को टीम में शामिल ना करके आराम दिया गया था। इसके अलावा दो विस्फोटक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया जा सकता है, जिसमें से पहले ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में रविंद्र जडेजा के रूप में टीम इंडिया बिल्कुल क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर के रूप में टीम इंडिया में बिल्कुल फिट बैठते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में रविंद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन दिखाया था। इनके अलावा दूसरे ऑलराउंडर के रूप में रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए नजर आ सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट सीरीज में अश्विन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा था। अब साउथ अफ्रीका दौरे पर भी इन दोनों ही खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। साथ ही में दोस्तों, तीसरे ऑलराउंडर के रूप में खबरें तो यही आ रही है कि हार्दिक पांड्या को भी मौका मिल सकता है। अगर हार्दिक पांड्या को इस टेस्ट सीरीज में मौका मिलता है तो उनके पास एक बेहतरीन मौका होगा कि वह खुद को साबित करे, खुद की काबिलियत को दर्शाए। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को क्या टेस्ट सीरीज में शामिल करना चाहिए? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। इसके अलावा पांच तेज गेंदबाजों को भारतीय टीम में मौका मिल सकता है, जिसमें से सबसे पहले तो मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की जोड़ी खेलते हुए नजर आ सकती है। हाल ही में खेले गए न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह को टीम में मौका नहीं मिला था और उन्हें आराम दिया गया था। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली इस सीरीज में इन दोनों खिलाड़ियों की वापसी हो सकती है। तो वहीं पर साउथ अफ्रीका के मैदानों पर मोहम्मद शमी के पिछले आंकड़े भी शानदार रहे हैं। इसके अलावा दो अन्य तेज गेंदबाजों को शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। जी हां दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए भारतीय टीम की पिछले टेस्ट सीरीज में बल्ले और गेंद से दोनों से ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। और इनके अलावा युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में काफी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। इसके अलावा पांचवें तेज गेंदबाज के रूप में ईशांत शर्मा को टीम में शामिल किया जा सकता है। इनके पास टेस्ट क्रिकेट में 100 से अधिक मुकाबले खेलने का अनुभव है। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के मैदानों पर ईशांत शर्मा पहले भी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से इनके द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिले। दोस्तों, कुछ इस तरह से टीम इंडिया की पूरी 15 सदस्यीय टीम हो सकती है। दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या यह टेस्ट सीरीज जीत पाएगी? उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।